हे गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मीत एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज है 27 दिसंबर 2018 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं, आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊं कि विद एक्सप्लेनेशन। पहले मैं हिंदी में बनाती थी, लेकिन कुछ कमेंट्स मेरे पास आए थे जिनको प्योर हिंदी में समझ नहीं आ पा रहा, सो दैट मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर बताए हुए हैं। हिंदी में मैं आपको कन्वर्ट करके ज़रूर साथ में बताऊँगी, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए, और जिनको हिंदी समझ में आती है वो हिंदी में साथ साथ नोट डाउन करते जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट करंट अफेयर्स से। देखते हैं आज का फर्स्ट करंट अफेयर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्प्टी कंटेनर्स इन द रेलवे रिसेंटली। अभी अभी रेलवे ने जो खाली कंटेनर्स हैं, एम्प्टी कंटेनर्स हैं, उनके ट्रांसपोर्ट यानी कि उनके परिवहन के ऊपर कितने प्रतिशत की छूट दी है, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है। ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन सेकंड है 10%, ऑप्शन थर्ड है 14% एंड ऑप्शन फोर इज 35%। अब यहाँ पे आपने वीडियो को पाउज करके अपना आंसर टाइप करना, फिर आपने मेरा सुनना, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, राइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 25%। अच्छा, ये क्यों किया गया है, 25% की छूट क्यों दी गई है? दरअसल जो बंदरगाह है, बंदरगाह तक ये जो कंटेनर्स है वो लोड होते हैं, तो बंदरगाहों तक ये कंटेनर खाली कैसे पहुंचे? अब रेलवे का इसके लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, ठीक है। सो रेलवे के थ्रू ये कंटेनर पहुंचाए जाए, ताकि रेलवे का जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो, ठीक है। तो इसीलिए कंटेनर के परिवहन पर 25% की छूट दे दी गई है। अब इंडियन रेलवे के अभी अभी के जो रेल मंत्री हैं वो कौन है? पीयूष गोयल जी, लिख लीजिएगा, ये आपको पूछा जा सकता है किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम में, ठीक है। इंडियन रेलवे के जो रेल मिनिस्टर हैं वो कौन है? पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट, हु रिसेंटली लॉन्च्ड द क्राइसिस मैनेजमेंट स्कीम। अभी अभी संकट प्रबंधन योजना, क्राइसिस मैनेजमेंट स्कीम होता है, संकट प्रबंधन योजना किसने स्टार्ट की है, किसने लॉन्च की है? ऑप्शन ए इंडियन गवर्नमेंट, ऑप्शन सेकेंड है पंजाब गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है यूके गवर्नमेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू की है। अच्छा, ये क्यों तैयार की गई है, ऐसा क्या हुआ? तो दरअसल जो साइबर क्राइम है उसकी रोकथाम के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्राइसिस मैनेजमेंट स्कीम यानी संकट प्रबंधन स्कीम को लॉन्च किया है, राइट। नेक्स्ट, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल स्पेशल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बनाया गया है, जिसका नाम है मीत एकेडमी। इस चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, तब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। अभी अभी श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ली, या अभी अभी किनको बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर? ओथ होता है शपथ लेना, ओ ए टी एच, ठीक है, शपथ लेना, ये लिख लीजिएगा साथ साथ में। ऑप्शन ए सुरेश यादव, ऑप्शन बी है अनिल सिंघे, ऑप्शन सी है रणिल विक्रम सिंघे, और ऑप्शन डी है में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रणिल विक्रमा सिंघे को एज प्राइम मिनिस्टर शपथ ली गई है, ठीक है। और ये पांचवीं बार, लिख लीजिए, पांचवीं बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अब श्रीलंका की बात कर रहे हैं तो बता दूं ये साउथ एशिया की कंट्री है, और यहाँ की जो करेंसी है वो श्रीलंकन रुपी है, ठीक है, लिख लीजिए श्रीलंकन रुपी है यहाँ की करेंसी है जो। और यहाँ की दो कैपिटल्स है कोलंबो एंड श्री जयवर्धन पूरा कोटे, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड। अभी अभी जो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन है, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पे आयोजित की गई है, कहाँ पे हुई है? अभी लंदन, पोलैंड, सिंगापुर या इंडोनेशिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, यानी कि पोलैंड में। अब पोलैंड की बात हम कर रहे हैं तो पोलैंड की जो करेंसी है वो क्या है? पोलिश ज्लोटी, लिख लीजिए पी ओ एल आई एस एच, पोलिश ज्लोटी, जेड एल ओ टी वाई, कहाँ की करेंसी है ये? पोलैंड की, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली क्राउंड मिस इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड 2018। अभी अभी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड 2018 का खिताब या क्राउन किसे पहनाया गया है? ऑप्शन ए कृष्णा तन्ना, ऑप्शन बी श्री सैनी,
ऑप्शन सी आरुषि तोमर या इनमें से कोई नहीं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्री सैनी। श्री सैनी को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड 2018 का खिताब पहनाया गया है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, वेयर डिड दी 37th नेशनल रोइंग चैम्पियनशिप स्टार्ट रिसेंटली, अभी अभी जो 37वीं नेशनल रोइंग चैम्पियनशिप है वो कहाँ पे स्टार्ट की गई है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी हरियाणा या कोई और स्टेट है? इनमें से नहीं है, कोई और स्टेट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुणे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिसेंटली हु वॉज अपॉइंटेड द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ फिक्की। सबसे पहले तो फिक्की है क्या, इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, पहले आप फुल फॉर्म नोट कीजिए और उसको रटिएगा, ठीक है? तो लिखिए फिक्की की फुल फॉर्म, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फिर से रिपीट करूँगी ताकि आप लिख लीजिए, फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है? तो जो फिक्की है, फिक्की के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में यानी कि उपाध्यक्ष, लिख लीजिए हिंदी में उपाध्यक्ष, ठीक है? फिक्की के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इनमें से? ऑप्शन ए शंकर मोहन, ऑप्शन सेकंड है उदय शंकर, ऑप्शन थर्ड है उदय नारायण या फिर राकेश कुमार, ठीक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उदय शंकर है जिनको फिक्की का नया वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, नोट कर लीजिएगा। अगर फिक्की का हेडक्वार्टर पता हो आपको, मतलब अगर पूछ लिया जाए हेडक्वार्टर, फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो भी लिख लीजिए, न्यू दिल्ली में है, ठीक है? और इनके जो प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष है वो भी लिख लीजिए, संदीप संदीप सोमने, ठीक है? संदीप सोमने हैं जो प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, एट्थ, विच इंडियन फिल्म हैज़ रिसेंटली बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दी ओस्कर्स। अभी अभी जो किस भारतीय फिल्म को, किस इंडियन फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है, मतलब उनका नॉमिने में नाम आ रहा है, ठीक है? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन सेकेंड है पल्टन, ऑप्शन थर्ड है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस एंड ऑप्शन डी है पद्मावत। अब इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस फिल्म है जिसको ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है। नेक्स्ट, हु इज द सेकंड फास्टेस्ट बैट्समैन टू हैव स्कोर्ड 25 टेस्ट सेंचुरीज रिसेंटली। अभी अभी 25 टेस्ट सेंचुरीज यानी कि 25 टेस्ट शतक लगाने वाले सेकंड यानी कि दूसरे फास्टेस्ट बैट्समैन, दूसरे जो सबसे तेज बल्लेबाज हैं वो कौन बने हैं दूसरे, ठीक है? फर्स्ट है विराट कोहली, ऑप्शन बी है मोहम्मद शमी, ऑप्शन थर्ड है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी है कोई और है इनके अलावा, ठीक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विराट कोहली, ठीक है? तो याद रखिएगा विराट कोहली है जिन्होंने 25वां टेस्ट शतक सेंचुरी लगाई है, और किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था ये मैच, ठीक है? लिख लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था। नेक्स्ट, हु हैव रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड फॉर द 2018 ITF वर्ल्ड चैम्पियनशिप। अभी अभी 2018 ITF वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए कौन नॉमिनेट हुए हैं, किनका नाम आगे आया है? सबसे पहले ITF की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। फिर से रिपीट करूँगी, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ठीक है? तो किनका नाम आया है, किनका? ऑप्शन ए सिमोना हेल्प, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच एंड ऑप्शन थर्ड है दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब इन दोनों का नाम आया है, किनका? सिमोना हेल्प और नोवाक जोकोविच का, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड बनेगा, देख लेना आगे आने वाले एग्जाम में ये वाला करंट अफेयर, इसको रट लेना है आपने बस, ठीक है? 2018 ITF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में किनका नाम आया है, दो नाम आए हैं, नोवाक जोकोविच और सिमोना हेल्प। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 27 दिसंबर 2018 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसे लगी वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।